भाजपा के बाद अब माकपा ने भी उठाया राज्य में राशन में गड़बड़ी का मुद्दा, शुरू किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य भर के गरीब लोगों में दिए जा रहे राशन में गड़बड़ी को लेकर भाजपा की ओर से लगातार राज्य सरकार पर हमला किया जा रहा है। भाजपा की ही तरह पश्चिम बंगाल के पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी CPIM ने भी इसे लेकर आंदोलन छेड़ दिया है। राज्य भर में राशन की हो रही गड़बड़ी को मुद्दा बनाकर गुरुवार को आसनसोल ओल्ड स्टेशन इलाके में CPIM की ओर से विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान CPIM कार्यकर्ताओं ने सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग बैठकर हाथों में विरोध वाले बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे CPIM नेताओं का आरोप है कि एक महीने से ज़्यादा का लॉकडाउन की अवधि हो चुकी है, लेकिन अभी भी राज्य भर में लोगों को सही तरीके से राशन का सामान नहीं मिल रहा है। उनकी मांगे हैं कि अगले 6 महीनों तक गरीब को राशन दिया जाए, साथ ही जो लोग पूरी तरह से असहाय हैं उनकी आर्थिक मदद की जाए। इसके अलावा राज्य में स्वास्थ्य समेत अन्य मुद्दों को लेकर भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया। ₹64,000 करोड़ उसको माफ किया जाएगा, इसके खिलाफ हम लोग उतरे हैं। हमारा पार्टी CPIM की तरफ से बहुत बार राज्य सरकार की जब सर्वदलीय बैठक हुआ वहाँ पर हम लोग का दाबी उठाया गया है। हम लोग का दाबी हम लेकर मेरा जो राज्य नेतृत्व है सूर्यकांत मिश्रा, सुजन चक्रवर्ती, वो लोग रास्ते पे उतरे थे। और अभी हम लोग एक बार डेमोन्स्ट्रेट रेशन ऑफिस के सामने किया था। हम लोग प्रचेष्टा प्रकल्प जैसा जो प्रकल्प है वो प्रकल्प अब रद्द हो गया, उसके खिलाफ में हम लोग रास्ते पर उतरे हैं। अब अभी ये यहाँ पर अवस्था कर रहे हैं कि राज्य सरकार वो केंद्रीय सरकार दोनों सरकार को अभी पूरा 6 महीने कम से कम सबको रेशन देना है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु, एक पहल शिक्षा की ओर। अब पाए 8,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सीधा एडमिशन और सीखें 300 से भी ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज। सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जाम के जरिए पाए 100% तक की स्कॉलरशिप भी। तुरंत संपर्क करें कोलकाता के मशहूर एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु को